हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ चॉइस ब्रोकिंग डीमेट अकाउंट का। दोस्तों, चॉइस ब्रोकिंग डीमेट अकाउंट का सबसे पहले हम एप्लीकेशन का इंटरफेस देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है, AMC चार्ज क्या है, ब्रोकरेज चार्ज क्या है। इसके बाद दोस्तों हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी देखेंगे और इस एप्लीकेशन को हम बाकी के एक और फेमस डीमेट अकाउंट से कंपेयर करेंगे। दोस्तों, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी बनेंगी कि मुझे चॉइस ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी बनेंगी कि नहीं, ये तो यार बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इसमें हमें अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि चॉइस ब्रोकिंग एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस कैसा है। आप इसको एप्लीकेशन में भी चला सकते हैं, अदरवाइज विंडो पर चलाना चाहें तो दोस्तों वहां पर भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो चॉइस ब्रोकिंग के आपको ढेर सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। तो चॉइस फिन एक्स के नाम से एप्लीकेशन है, आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब दोस्तों, मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। तो दोस्तों, जब आप इसमें लॉगिन होंगे ना, तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो इंटरफेस का तो दोस्तों मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा कोई बड़े चेंजेज नहीं है, ठीक है। इधर उधर थोड़े से ऑप्शन हो जाते हैं जो कि दोस्तों हर डीमैट अकाउंट में होती है। बाकी की फैसिलिटी आपको यहाँ पर सारी मिल जाती है जो बाकी के ब्रोकर में मिलती है। तो दोस्तों देखिए, अब ये इसका वॉच लिस्ट है। तो वॉच लिस्ट आप यहाँ पर जैसे सभी डीमैट अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वही यहाँ पर है। अगर दोस्तों आप इसके होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर आपको कुछ इस तरीके से ये डाटा दिखता है, ठीक है। इधर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा तो वो दिखेगा, और ये चीज़ें मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, अदरवाइज क्या इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसके बाद दोस्तों ट्रेड में जाएंगे तो आपको पोजीशन और ऑर्डर दिखेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखेंगी। इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था भाई वो कहाँ गया, शो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ डीमैट अकाउंट में होता है। मैं देखता हूँ कि यार पता नहीं सेल किया था वो हो गया कि नहीं हुआ। नए ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो नए ट्रेडर को इस एप्लीकेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पोर्टफोलियो दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद मोर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। आपकी प्रोफाइल की जानकारी भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। अगर आप कोई एडिट या फिर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं मॉडिफाई, ठीक है। पासवर्ड भी चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये और भी कुछ चीज़ें मिल जाती है जो कि लगभग सभी डीमैट अकाउंट में होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो इसका इंटरफेस है। इंटरफेस के बारे में तो दोस्तों मैं यहाँ पर अगर 10 में से तुम नंबर पूछो ना तो मैं इसको कितने दूंगा, ठीक है। इसमें मुझे कुछ दिक्कत दिख ही नहीं रही है तो मैं इसको दे दूंगा 8-9, तो आराम से दे ही दूंगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन को मैं खुद यूज नहीं करता हूं, लेकिन आपकी डिमांड थी तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब दोस्तों काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, ठीक है, 100, 200, 250 होंगे, तो उसमें से मैं ही एक हूं, तो मैं जहां से ज़्यादा क्या है दो एप्लीकेशन को यूज कर लूंगा, तो उसमें से ये चॉइस ब्रोकिंग नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, मैं एंजल वन को यूज करता हूं और मैं धन को यूज करता हूं। अगर ये एप्लीकेशन आपको भी यूज करनी है तो अपना अकाउंट बना लेना, लिंक मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। और चॉइस ब्रोकिंग भी दोस्तों काफ़ी सारे लोग यूज करते हैं, मैं नहीं करता तो क्या है। अगर दोस्तों हम चॉइस ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहें तो इसमें अकाउंट ओपनिंग का चार्ज क्या है, तो इसमें दोस्तों अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 0। अब इसके बाद बात आती है AMC चार्ज की। तो AMC चार्ज के इसमें 3 प्लान है। पहला है दोस्तों कि आप इसमें 200 रुपये, 18% GST, तो 200 का 18% 3600 रुपये हुआ, तो मतलब कि आपको 236 रुपये पर ईयर देना है। दूसरा प्लान इसमें ये है कि आप 1500 रुपये दो, लाइफ टाइम के लिए अपना AMC चार्ज फ्री करवा लो, 1500 में आप 270 रुपये अपना GST भी जोड़ लेना, ठीक है। तीसरा प्लान दोस्तों इसका ये है कि आप 3000 रुपये प्लस 18% GST, 3000 का 18% GST कितना होगा कमेंट करके बताना, ठीक है। तो दोस्तों उतना अगर आप पे करते हैं ना तो फिर ये रिफंडेबल प्लान है, मतलब कि फिर आप इस पैसे को रिफंड भी पा सकते हैं। अगर आप कुछ महीने ट्रेडिंग करते हैं या फिर कुछ साल करते हैं और इसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं तो आप रिफंड भी उसको पा सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। तो इसमें जो ब्रोकरेज चार्ज है ना, तो अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग लगेंगे। जैसे कि अगर आप इक्विटी मार्केट में करेंगे तो दोस्तों अलग ब्रोकरेज चार्ज है। अगर आप करेंसी मार्केट में करेंगे तो अलग ब्रोकरेज चार्ज है। अगर आप कमोडिटी मार्केट में करेंगे तो दोस्तों अलग ब्रोकरेज चार्ज है। तो इक्विटी के अंदर अगर आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इधर आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज ले रहा है 0.02%।
अब इसके बाद दोस्तों इंट्राडे की बात करें तो सेम 0.02%, और इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो दोस्तों इसमें भी 0.02%। अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम करें इक्विटी के अंदर, ठीक है, तो हमसे इधर जो ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा ना वो फ्लैट रहेगा, वो रहेगा दोस्तों 25 रुपये। अब बताओ ये यहाँ पर जानता है, अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा एक दूसरी ब्रोकिंग कंपनी से। अब हम बात करते हैं दोस्तों करेंसी मार्केट की। अब दोस्तों हम बात करते हैं कमोडिटी की अंदर, तो चॉइस ब्रोकिंग वाले हमसे थोड़ा सा चार्ज तो ज़्यादा पे कर रहे हैं, और कुछ कंडीशन में चार्ज कम भी लगता है, तो अभी कैलकुलेटर के द्वारा दोस्तों साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों ये हमें फ्री भी दे रहे हैं। अब फ्री क्या दे रहे हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री दे रहे हैं। अगर आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है ना शाम को 3 बजे के बाद, ठीक है, 3:20 के बाद, तो दोस्तों वहाँ पर बाकी कंपनियों में क्या 50 रुपये लगते हैं, 20 रुपये लगते हैं, लेकिन इसमें फ्री है। अगर आप कॉल एंड ट्रेड का फैसिलिटी का यूज करती है ना, तो बाकी कंपनियाँ 100 रुपये लेती हैं या फिर 50 रुपये लेती हैं, यहाँ पर कॉल एंड ट्रेड फ्री है। तो ये बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है, मतलब कि वो पूछ के ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है मार्जिन, तो इसमें हमें मार्जिन मिलता है 4 गुना, वो भी 21% पर ईयर इंटरेस्ट रेट पर, और इनका लोएस्ट डीपी चार्ज है, तो डीपी चार्ज है इनका ओनली 10 रुपये, बाकी की कंपनियों में 14 रुपये, किसी में 12 रुपये, किसी में 16 रुपये, लेकिन इसका 10 रुपये है। तो दोस्तों हम चॉइस ब्रोकिंग का कैलकुलेटर एक बार निकाल के देख लेते हैं कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज कितनी लगती हैं, और हम कंपेयर कर लेते हैं इसको एंजल वन से। मान लो इसमें हम यहाँ पर एक शेयर सर्च कर लेते हैं, उसका नाम है PNB हाउसिंग। आप दोस्तों किसी भी को भी सर्च करके देख सकते हैं, PNB हाउसिंग लिमिटेड NSE, ठीक है। ये दोस्तों हमने सर्च कर लिया, क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पर हम 70, ठीक है। अब देखते हैं, और ये यहाँ पर इसमें ब्रोकरेज चार्ज कितनी लगती है, 0.02% लगती हैं 3 ने। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज चार्ज इसमें 17 रुपये 70 पैसे लग रहे हैं। अगर यही क्वान्टिटी हम रखते हैं PNB हाउसिंग की एंजल वन के अंदर, तो हमको कितना देना होगा ब्रोकरेज, तो दोस्तों इसमें 20 रुपये से ज़्यादा चार्ज लग ही नहीं सकते, लेकिन इसका कैलकुलेटर सही से काम नहीं कर रहा है। और हम एक बार मोबाइल पर देख लेते हैं ऑर्डर प्लेस करके। देखिए दोस्तों हमने मोबाइल पर सर्च किया PNB हाउसिंग, बाई करने के लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वान्टिटी हम यहाँ पर 70 लिख देते हैं, ऊपर ये इंट्राडे सिलेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर हम चार्जेस पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों चार्जेस आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज का 20 रुपये लग रहा है, बाकी के इसमें अदर चार्जेज हैं, तो टोटल इसमें कितना हो रहा है 26 रुपये 68 पैसे। और वहीं पर अगर हम देखना चाहें दोस्तों, तो इसमें हो रहा है हमारा 35 रुपये, ठीक है, टैक्स वगैरह लगा के, लेकिन एंजल वन में हमसे कम चार्जेस लग रहे हैं। और अगर दोस्तों इसी को हम इधर डिलीवरी कर दें, ठीक है, तो इसमें अगर हम चार्ज देखने के लिए जाएं, तो देखिए ब्रोकरेज चार्ज इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी तो मैंने क्वांटिटी रखी थी कितनी 70, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें क्वांटिटी कर देता हूँ दोस्तों 170 कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ब्रोकरेज चार्ज अभी हमारे कितने हो गए 42 रुपये 98 पैसे, मतलब कि इसमें 43 रुपये हमारे ब्रोकरेज चार्ज लग रही है। अब देखो यहाँ पर मैं एंजल वन में क्वांटिटी कर देता हूँ 170, और अगर अब हम इसमें इसको इंट्राडे कर देते हैं, अगर अब हम इसमें देखने जाएं ब्रोकरेज चार्ज, तो देखिए दोस्तों इसमें ब्रोकरेज चार्ज पहले 26 लग रहे थे, अब 31 लग रहे हैं टोटल, और ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये ही लग रहा है। और अगर हम इसके अंदर देखने जाएं ना, तो दोस्तों इसमें टोटल ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स मिला के ना 86 रुपये 16 पैसे हो रहा है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज कितना ज़्यादा लग रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं जहाँ पर आपसे ब्रोकरेज चार्ज कम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कर देता हूँ दोस्तों 30 क्वांटिटी, ठीक है, और ब्रोकरेज चार्ज यही लगेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज लग रहे हैं ओनली 7 रुपये 58 पैसे, टोटल ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स मिला के होता है 15 रुपये 22 पैसे, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम एंजल वन में देख लेते हैं, एंजल वन में हम इसकी क्वांटिटी करते हैं 30। अब हम एक बार इसके चार्ज देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों ब्रोकरेज चार्ज अभी भी यहाँ पर एंजल वन के अंदर कितना लग रहा है 20, ठीक है, बाकी के चार्जेज कितने हो रहे हैं 24। लेकिन अगर आप छोटे ट्रेडर हैं ना, तो दोस्तों आपके लिए चॉइस ब्रोकिंग इंडिया बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों चार्ज। अब दोस्तों मेरा यहाँ पर आपको सजेशन ये रहेगा कि आपको ना ये चार्ज नहीं देखने हैं ना, तो एंजल वन के और ना ही आपको
क्या बोलते हैं चॉइस ब्रोकिंग की। आपको जो चीज़ देखनी है ना तो दोस्तों वो देखनी है आपको स्पीड की, स्पीड भाई मुझे कहाँ पर मिल रही है। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएंगे, आप ऐसे क्लिक करेंगे कि भाई हो जा भाई, और वो बाई नहीं होगा। आप उसको सेल करने के लिए जाएंगे कि नहीं मार्केट नीचे आ रहा मुझे जल्दी सेल करना है, तो एप्लीकेशन मान लो कि अटक गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों एंजल वन में ये प्रॉब्लम आती नहीं है, एंजल वन को मैं खुद ही यूज करता हूँ और चॉइस ब्रोकिंग मैंने यूज नहीं किया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड जो करवाई है।